अब आपको दिखाते हैं कैसे पहाड़ों पर बर्फ से जंग में लोगों के लिए सेना मसीहा बनकर सामने आती है। पहाड़ों पर आया प्रलय, हेलीकॉप्टर से आए देवदूत, बर्फ पर जिंदगी की जंग। हिमवीरों का बर्फ से मुकाबला, बर्फ में मसीहा बनी सेना। बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान जम्मू कश्मीर में देवदूत बनकर आए। लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें सेना के जवान बर्फ में फंसे लोगों को बचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हैं। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो मदद के लिए सामने आते हैं भारतीय सेना के जवान। सेना ने की गर्भवती महिला की मदद। गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। गुरेज में एक गर्भवती महिला को सेना ने अस्पताल पहुंचाया। गर्भवती महिला की हालत गंभीर थी, उसके शरीर में खून की कमी है। ऐसे में घाटी से जवानों ने महिला को गुरेज के सिविल अस्पताल से स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर पहुंचाया। दरअसल गुरेज सेक्टर में बर्फबारी की वजह से यातायात की सुविधा नहीं थी। महिला को सिविल अस्पताल से निकालकर हवाई रास्ते से स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर शिफ्ट करने में मदद की गई। इस तरह से गर्भवती महिला को बेहतर उपचार उपलब्ध हो सका। इससे पहले बारामूला में भी आर्मी के जवान एक गर्भवती महिला के लिए मसीहा बनकर आए। भारतीय सेना की चिनार कॉप्स ने भारी बर्फबारी के बीच शमीमा नाम की एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया था। शमीमा को लेबर पेन के बाद इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। ऐसे में सेना के 100 जवान और आसपास के 30 नागरिकों ने शमीमा की मदद की। उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर बर्फ से भरे रास्तों से होकर 4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाया गया। शमीमा ने बच्चे को जन्म दिया था। बर्फबारी इतनी हो रही है कि देश की रक्षा में जुटे जवान अपनी शादी तक में वक्त से नहीं पहुंच पा रहे। हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले सैनिक सुनील की गुरुवार को शादी थी। 2 हफ्तों से हो रही बर्फबारी की वजह से वो घाटी में ही फंसा रह गया। सिर्फ सैनिक ही नहीं, पुलिस भी बर्फबारी में फंसे लोगों की मदद कर रही है। ये तस्वीरें हिमाचल के कुफरी के पास की हैं, जहां शनिवार को पुलिस ने भारी बर्फबारी में फंसे 187 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बाद कुफरी चायल रोड पर कई गाड़ियां फंस गई। शनिवार को शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार सुबह 4 बजे तक चला। दरअसल भारी बर्फबारी के चलते ढली से कुफरी और चायल रोड पर लंबा जाम लग गया था, जिसमें करीब 500 वाहन फंसे रहे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ियों को निकाला तो साथ ही बर्फ में फंसे 187 पर्यटकों को भी बचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के रिब्बा गांव की, जहां पर बर्फीले तूफान की तस्वीरें सामने आई हैं। आधे घंटे तक पूरे इलाके में सफेद चादर छा गई। हालांकि एवलांच आने के बाद यहां पर कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। देखिए यह वीडियो। जब पहाड़ों से आया सफेद बवंडर और देखते ही देखते फैल गई दहशत। सफेद आफत का ये खौफनाक नजारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का है। देखिए कैसे पहाड़ियों से आए तूफानी एवलांच ने आधे घंटे तक दहशत मचाई और पूरा इलाका सफेद धुंध में ढक गया। ये भयानक एवलांच शनिवार दोपहर को किन्नौर के रिब्बा गांव के पास देखने को मिला, जब अचानक पहाड़ों से सफेद धूल उड़ती दिखाई दी। देखते ही देखते सफेद बर्फ की धूल ने एवलांच की शक्ल ले ली। बर्फ से ढकी सफेद पहाड़ियों से ऐसा बवंडर उठा कि मानो पूरे गांव को ही आगोश में ले लेगा। लेकिन नीचे आते आते सफेद तूफान का रुख बदल गया और गांव की जगह ये सफेद बवंडर खाई की ओर मुड़ गया। गनीमत रही कि एवलांच से गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। रिब्बा गांव की पहाड़ियों से पूरी रफ्तार से आते एवलांच ने पेड़ पौधों और लकड़ी पत्थर सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया।
इस दौरान सेब के बागीचे भी चपेट में आए। जैसे ही पहाड़ से ये एवलांच आया, पूरे इलाके में हाड़ कपा देने वाली ठंडी हवाएं चलने लगी। जब ये सफेद बवंडर शांत हुआ, तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। देखिए कैसे हिमाचल का किन्नौर बर्फिस्तान बन चुका है। इंसान की जिंदगी बर्फ की गिरफ्त में है। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ जीना कितना मुश्किल है। हाड़ कपा देने वाली बर्फ के बीच रहना इन लोगों के लिए हर दिन जंग लड़ने जैसा है। लोग सीढ़ियों से जमी बर्फ को हटाने के काम में जुटे हैं, क्योंकि यहाँ पल पल खतरा बना हुआ है। हाईवे पर बर्फ ने ऐसा कब्जा किया कि सड़कों पर गाड़ियाँ चलना तो दूर, इंसान भी कब हादसे का शिकार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। देखिए आप कैसे इस कार को बर्फ ने बंधक बना लिया है। मकानों की छतों पर भी बर्फ बिछी नजर आएगी। ऐसा खौफनाक मंजर पूरे किन्नौर में देखने को मिलेगा। घरों, दुकानों और सड़कों पर बर्फ का ढेर लगा हुआ है, जिसे जेसीबी मशीन के जरिए हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। किन्नौर में नेशनल हाईवे पर ग्लेशियर टूटकर गिरने से रास्ता बंद हो गया। इसे खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम तेजी से जुटी हुई है। किन्नौर जिले के कल्पा में 24.4 सेंटीमीटर बर्फ की परत देखी गई, जो कि राज्य के किसी भी क्षेत्र के बर्फ की परत के मुकाबले सबसे अधिक मोटी थी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं 6 इंच तो कहीं 10-10 इंच तक बर्फ जमा हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में जमकर बर्फबारी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।